जैसे कि आपको मालूम है, दुनिया भर के अंदर इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जा रहा है। आज मैं इसकी अहमियत और उसकी पाकिस्तान से मुतल्लिक अहमियत के बारे में बात करना चाहता हूँ। इम्यूनाइजेशन दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन समझी जाती है, क्योंकि इससे बहुत सी जिंदगियाँ बचाई जाती हैं और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पब्लिक हेल्थ पर है। अगर हम पाकिस्तान के बच्चों की बात करें तो पाकिस्तान भर के अंदर बहुत सी बीमारियाँ अभी भी इन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ की वजह से रोज़ाना हो के हिसाब से हो रही हैं। हम इस मुहिम के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि हमारे तमाम बच्चे जिनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, उनको बरवक्त वैक्सीन लगाई जाए। जैसे कि आपको मालूम है, ये हिफाजती टीके हमारे बच्चों के लिए नहायत ज़रूरी हैं। हम देखते हैं कि सालाना हज़ारों हमारे बच्चे पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायरिया, निमोनिया, गर्मदोड़ बुखार, इस तरह मौजी बीमारियों में मुबतला होकर उनको वो जानलेवा साबित होती हैं उनके लिए, या वो अस्पताल में दाखिल होते हैं, या उनको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होती है। जैसे कि आपको मालूम है, ये हिफाजती टीके पाकिस्तान के EPI प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं। ये फ्रीली अवेलेबल हैं, नहायत कॉस्ट इफ़ेक्टिव, सेफ़ हैं और बहुत सी मौजी बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर हम देखें, 30 के करीब वैक्सीनेशन ऐसी अवेलेबल है जिससे हमारे बच्चे हिफाजत में रह सकते हैं। आपको मालूम है कि बदकिस्मती से अब तक हमारे 60% के करीब बच्चों को अभी तक इन वैक्सीन से एक्सेस नहीं है या उनको नहीं लगाई जाती है, और ये बच्चे बग़ैर वैक्सीनेशन के बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ये वैक्सीन पाकिस्तान भर के अंदर हर वैक्सीन सेंटर्स पे और प्राइवेट सेटअप में अवेलेबल है। आइए आज हम ये तय करें कि इन मासूम बच्चों की हिफाजत करें, इनको बरवक्त हिफाजती टीके लगवाए जाएं, ताकि उनको इन बीमारियों से छुटकारा हासिल हो और हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन हो।